सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे दोस्तों। इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है। शेयर प्राइस है 1470 में। इस वीडियो में बात करते हैं, इसके शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे और कंपनी ने चौथी तिमाही Q4 FY24 के नतीजों के साथ 28 रुपीज़ का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। फाइनल डिविडेंड था 20 रुपीज़, स्पेशल डिविडेंड 8 रुपीज़। 28 रुपीज़ का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था और उसका रिकॉर्ड डेट नज़दीक आ रही है दोस्तों। तो डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, शेयर प्राइस की बात करते हैं, तो 1471 में स्टॉक प्राइस है और पिछले एक साल का रिटर्न मात्र 11% का है। इसका जो लो था 1262 का था और 1262 से बढ़कर ये 1733 तक गया था। 1733 का जो हाई बना था इसका फरवरी में बना था। तब से एक तरह से इसमें देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। जिनके पोर्टफोलियो में होगा तो उनको एक तरह से पेन कर रहा होगा इन्फोसिस का शेयर प्राइस, और ये पेन हो रहा है पिछले 1.5 साल से, 2022-23, अब 24 मई का महीना जा रहा है दोस्तों, तो 2 साल हो गया समझ लीजिए। पिछले 2 साल से इन्फोसिस का स्टॉक नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। 1700 तक गया था ये, और उससे पहले जो इसने हाई बनाया था लगभग 1900 तक गया था ये। तो 1900 से गिरकर 1200 तक आया, 1262 का इसका लो बना, वहां से बढ़कर 1700 तक गया, 1700 से गिरकर ये 1400 के आसपास आया, फिर से स्टॉक अब 1471 में है। तो शेयर प्राइस की बात आगे करेंगे, ये कुछ शेयर प्राइस का ट्रेंड है पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं। तो डिविडेंड की बात कर लेते हैं, कंपनी ने चौथी तिमाही Q4 FY24 के नतीजों के साथ 20 रुपीज़ फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, 8 रुपीज़ स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, और इसका जो रिकॉर्ड डेट तय की गई थी 31 मई 2024, आज है 28 मई 2024, तो जो निवेशकों को खरीदने का जो मौका है, जो डिविडेंड से कमाई करना चाहते हैं इन्फोसिस के शेयर से, तो आज खरीद सकते हैं और कल 29 और 30 मई तक खरीद सकते हैं, जो निवेशक डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए जो मौका है आज का है, आज का ट्रेडिंग डे कल 29 मई 2024 और 30 मई 2024, 31 मई 2024 रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है। इससे पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे 28 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। एक भी शेयर होगा तो 28 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड का जो पेमेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, डिविडेंड का जो पेमेंट होगा एक महीने के बाद होगा, द डिविडेंड विल बी पेड ऑन 1 जुलाई 2024। और ये अपडेट पहले से दिया गया है। बहुत सारे नए निवेशक पूछते रहते हैं कब तक डिविडेंड का पेमेंट होगा, तो पूरा वीडियो देखा करें। अगर आपने निवेश किया है इन्फोसिस लिमिटेड में, किसी भी कंपनी में दोस्तों, फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी का लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 40,652 करोड़ का था, कंपनी का प्रॉफिट 7,975 करोड़ का था दोस्तों। और कंपनी का जो स्टेटमेंट था, आगे ग्रोथ थोड़ा बहुत कम रह सकती है, इसीलिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो बात करते हैं इसके मार्केट कैप की बात करते हैं, 6,08,102 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 183 का, EPS है 63 का, ROE है 29 का, P रेशियो है 23 का दोस्तों, और डिविडेंड यील्ड है 3.14% का। तो बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 183 का बुक वैल्यू है, तो 7 से 8 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है शेयर प्राइस, और गिरावट देखने को मिली है, 1700 से गिरकर 1400 के आसपास आया है, थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, और रिकॉर्ड डेट डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट नज़दीक आ रहा है। पिछले 1.5-2 साल की बात करते हैं तो इन्फोसिस में दबाव देखने को मिल रहा है, टेक्निकली एक तरह से बेयरिश मोड बना हुआ है, लेकिन पिछले एक साल में 1200 से बढ़कर स्टॉक लगभग 1700 तक गया था, उसके बाद इसमें करेक्शन रहा, क्योंकि कमेंट्री कंपनी का जो बयान आया था ग्रोथ कम रह सकती है, तो स्टॉक में एक तरह से गिरावट आई, 1400 के आसपास आ गया, अब ऊपर की तरफ 1471 के आसपास है, तो जो रेजिस्टेंस रहेगा 1500 का रहेगा इसका, और 1500 के ऊपर ये क्लोज होता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है,
और लगभग 1600 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए इन्फोसिस को, एक बड़ी कंपनी है और आगे जो नतीजे आएंगे इसके और स्पेशली जो बयान आएंगे कंपनी की तरफ से ग्रोथ की संभावना रहेगी तो स्टॉक में फिर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो पिछले एक डेढ़ साल से जिन्होंने 1400, 1500, 1600 के आसपास ख़रीदारी की है तो उनको एक तरह से अभी रिटर्न नहीं मिला, बट ये कि डिविडेंड से कमाई होने वाली है जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस को रखा है। तो ये डिविडेंड का अपडेट है और शेयर प्राइस 1471 में है, जो ट्रेंड बना हुआ है थोड़ा बहुत बुल्स बाइंग करते हुए देखे जा रहे हैं दोस्तों। इन्फोसिस का लेटेस्ट अपडेट है।